ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। महाभृंगराज तेल सुंदर, घने और मजबूत बालों के लिए, बालों का झड़ना रोकने में सहायक। ये कहना गलत होगा कि यमुना की वजह से दिल्ली में बाढ़ आ गई है। जिस भूमि पर यमुना अभी बह रही है वो असल में इस नदी का ही है। ये दावा है पूर्व पत्रकार और प्रोफेसर दिलीप मंडल का। इस हफ्ते दिल्ली बाढ़ के संकट से जूझती रही, यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। पहाड़ों पर हुई बारिश का नतीजा ये हुआ कि लगभग पूरा उत्तर पश्चिम भारत बाढ़ की जद में आ गया। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली का जो हाल हुआ वैसा पिछले 40 साल में नहीं हुआ था। इसी दौरान एक खास तरह की चर्चा सोशल मीडिया पर देखने को मिली, तस्वीरें भी आई। पूर्व पत्रकार और प्रोफेसर दिलीप मंडल ने लिखा, ये कहना गलत होगा कि यमुना की वजह से दिल्ली में बाढ़ आ गई है। जिस भूमि पर यमुना अभी बह रही है वो असल में इस नदी का ही है। एक के बाद एक कई सरकारों ने यमुना की जमीन पर निर्माण की अनुमति दी। इसमें राजघाट, शांति वन, राजघाट पावर प्लांट, स्वामीनारायण मंदिर, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, कॉमनवेल्थ गांव, मेट्रो यार्ड, मेट्रो स्टेशन और कई कॉलोनियां बनाई गई। आपने यमुना का रास्ता रोकने की कोशिश की, यमुना सिर्फ उस रास्ते को वापस लेने की कोशिश कर रही है जो उसका है। इसके साथ दिलीप मंडल ने एक फोटो भी शेयर की जिसमें यमुना लाल किले के पास बह रही है। उन्होंने ये दावा किया कि फोटो ब्रिटिश संग्रहालय से लिया हुआ है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अफसर प्रवीण कासवान ने भी ऐसी ही एक तस्वीर शेयर की है। ये फोटो 1854 का बताया गया है। इसमें भी यमुना लाल किले के ठीक सामने नजर आ रही है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या राजधानी घूम चुके हैं तो जानते होंगे कि इस बाढ़ से पहले लाल किला और यमुना को आसपास सोचना भी दुश्वार था। तो फिर ये तस्वीरें, ये दावे एक अलग कहानी क्यों बयां कर रहे हैं? क्या सच में यमुना लाल किले के बगल से बहती थी? क्या यमुना अपने पुराने रास्ते पर लौटी है? इस बात की पुष्टि करने के लिए आज तक के रिपोर्टर कुणाल कुमार ने इतिहासकार और लेखिका राणा सफवी से बात की। राणा ने शाहजहानाबाद द लिविंग सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली नाम की किताब लिखी है। राणा बताती हैं, जिस समय राजधानी बनाने के लिए दिल्ली को चुना जा रहा था तब शाहजहां के करीबियों ने उन्हें सलाह दी कि लाहौर में नदी नहीं है, इसलिए लाल किले को यमुना के किनारे बनाया जाए। इसी बिना पर शाहजहानाबाद बनाया गया जो तब के मुगल साम्राज्य की राजधानी बनी। राणा ने यह भी बताया कि उनके उम्र के लोगों को यमुना का पुराना रास्ता याद है। उन्होंने कहा, मेरे उम्र के लोग यानी महज कुछ दशक पहले तक लोग बताते हैं कि यमुना लाल किले के नज़दीक से ही गुजरती थी। 1978 में जब दिल्ली में बाढ़ आई तब भी एजेंसियों ने हालात बदलने की कोशिश की, लेकिन यमुना ने इस साल घर वापसी की और लाल किले के पास आ गई। यानी इस नदी ने लगभग 50 साल पहले अपना रूट बदला था। निर्माण कार्य के साथ यमुना का पानी सूखता गया और इस वजह से ये नदी पतली होती गई और सिमट गई। कुणाल ने यमुना के इस व्यवहार पर लेखक और इतिहासकार शशांक शेखर सिन्हा से भी बात की। शशांक ने दिल्ली आगरा फतेहपुर सीकरी नाम की चर्चित किताब लिखी है। इसमें उन्होंने मुगल साम्राज्य के तीनों राजधानियों की कहानी बताई है। शशांक ने आज तक से बात करते हुए बताया, यमुना शुरू से ही चंचल नदी रही है और अपना रुख बदलती रही है। अगर पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ की बात करें तो वो पुराना किला के आसपास थी। पाषाण काल में यमुना वल्लभगढ़ के पास अरावली पहाड़ों से निकलकर पूर्व की तरफ जाती थी। दिल्ली में इस नदी के पुराने चैनल नजफगढ़, सूरजकुंड और बटकल में दिखते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि यमुना की पेटी यानी रिवर बेड पिछले एक सदी में बहुत ज़्यादा बदली हो। 1911 में अंग्रेज़ों की राजधानी कोलकाता से दिल्ली आने का इतिहास भी यमुना से ही जुड़ा है। ऐसा बताया जाता है कि तब अंग्रेज़ अपनी राजधानी मौजूदा बुराड़ी के पास ही यमुना के किनारे बनाना चाहते थे। हालांकि ये प्लान बदल दिया गया। इसकी वजह यमुना की बाढ़ बताई गई। वहां ज्यादा लागत लगाना भी एक वजह थी। इसके बाद नई दिल्ली को राजधानी के रूप में चुना गया। पुरानी दिल्ली के जानकार फिरोज बख्त अहमद ने कुणाल से बातचीत में बताया कि यमुना सिर्फ लाल किले के पास से ही नहीं गुजरती थी बल्कि उससे बनाई गई नहरें लाल किले के भीतर और चांदनी चौक में भी पानी पहुंचाने का काम करती थी। फिरोज बख्त ने यह भी बताया कि लाल किले की बुनियाद में खास किस्म की मलेशियाई लकड़ी लगाई गई है जिस वजह से वो इतने पानी के बहाव को झेल लेती है। इस दौरान इतिहासकार ये दावा भी करते हैं कि यमुना और किले के बीच एक रेत का मैदान था जिसमें हाथियों की लड़ाई होती थी, जिसे राजा प्रजा अपने किले और घरों से देखती थी।
फिलहाल बाढ़ से घिरी दिल्ली के लिए थोड़ी राहत की खबर आई है। यमुना का जलस्तर कम हुआ है, हालांकि वीडियो किए जाने तक जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी पुनीत ने। मैंने हारिका यादव। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द 11 टॉप। शुक्रिया।